हेलो एंड वेलकम टू ममाज हाइजीनिक कैंटीन। आप सभी का रश कैंटीन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का एक बहुत ही चटपटा सा और स्वादिष्ट सा अचार, जिसे आप एक बार बनाकर सालों साल एंजॉय कर सकते हैं। खाना हर कोई बनाता है, अचार भी हर कोई बनाता है, पर सबका तरीका अलग अलग होता है। आज मैंने जो अचार डाला है वो मेरा अपना तरीका है और उस तरीके को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेनिफिशियल लगे तो आगे से आगे शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने कच्चे आम को धोकर छीलकर पहले से ही ग्रेट कर लिया था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये स्टेप मिस हो गया है। वैसे मेरे व्यूअर्स बहुत ही समझदार हैं तो इसे अच्छे से समझ लेंगे। इस तरह से आप इसे किसी भी बड़े या छोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। और हाँ, एक बात और है, ग्रेट करने के बाद इसे छलनी पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आम में से जो रस निकलेगा उस रस को आप स्टोर करके रख लीजिए, आप किसी भी चीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके मैंने लिए ये कैर, ये 350 ग्राम कैर है और आम की क्वांटिटी है 2 किलो। मैंने 2 किलो आम को ग्रेट किया था और ये कैर जो होती है वो सेमी पकी हुई होती है, यानी किंजी हुई होती है। किंजने का मतलब होता है कि फर्मेंटेशन, तो ये फर्मेंटेड कैर है, तो ये कैर भी हम इसके साथ में डाल देंगे। अब इसमें डाला जा रहा है 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 बड़े चम्मच सौंफ का पाउडर, ये सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था उसके बाद पीस लिया था, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच अचारी मसाला। अचारी मसाला मैंने किस तरह से तैयार किया उसका पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 1 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच भुना हुआ मेथी दाना पाउडर। मेथी दाने को हल्का सा रोस्ट कर लिया था जिससे कि उसका कड़वापन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और उसको पीस लिया था। 2 बड़े चम्मच नमक डालूंगे। नमक थोड़ा क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा तेज ही डालिएगा क्योंकि अचार में अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद नमक थोड़ा सा कम ही लगता है। अब मैं डालूंगी 1 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़ी चम्मच साफ की हुई पीली सरसों। आप घर पर अचार बनाने के लिए पीली सरसों कैसे तैयार करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम के लगभग सरसों का तेल और धीरे धीरे डालते हुए हम इसे साथ में मिलाते भी जाएंगे। इस अचार की सेल्फ लाइफ सालों की होती है, जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बस सभी मसालों को हम आम और कैर में मिक्स कर देंगे। आप अगर कम क्वांटिटी में इसे बना रहे हैं तो मसालों की जो क्वांटिटी है कम कम करके डालिए। जैसे कि 1/2 किलो आम ले रहे हैं तो उसके लिए आप सब मसालों को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मसालों की मात्रा उतनी ही बढ़ा दीजिए। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, 6 से 7 घंटे के बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा अच्छे से। मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हरी मिर्ची ली है और इस तरह से लंबाई में काट ली है। अब इसे मैं अचार में डालने वाली हूँ। देखिए इस वक्त ये धूप में ही रखा है ये अचार, तो अब मैंने मिर्च इसमें डाल दी है और अच्छे से मिला दूँगी। फिर से हम इसे धूप में ही छोड़ देंगे। आज है सेकंड डे, तो ये थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची भी मैंने कटिंग करके इसमें मिक्स कर दूंगी। गाइस बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के बाद आप सालों साल अचार खरीदना भूल जाएंगे। Thank you.
आज है यहाँ पर तीसरा दिन अचार का। डे बाय डे ये अचार हमारा तैयार होता जा रहा है। और ये देखिए, ये है हमारा चौथा दिन, तो अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम किसी कांच की बरनी में भरकर रख देंगे। ये बहुत ही पुराना जार है मेरे पास, कांच की बरनी है, इसमें ये अचार मैं भर दूंगी। पूरा नहीं बनेगा बट थोड़ा सा जितना बनेगा मैं इसमें भर दूंगी, बाकी का अचार मैं किसी दूसरी बरनी में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए, पूरा फिल हो गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी कंटेनर या बरनी लें उसे पूरा भरें, और भरने के बाद उसे ऊपर तक सरसों के तेल से फिल कर दें ताकि इसमें फंगस ना लगे। अगर आप अचार को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें धीरे धीरे फंगस लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेदर कभी मॉइस्चर वाला होता है, कभी ड्राई होता है, कभी विंटर आ जाता है, तो इसमें आपका अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो तेल में अगर डूबा हुआ होगा तो यकीन मानिए आपके अचार चाहे कहीं भी छोड़ दीजिएगा, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे पूड़ी पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, बनाइए खाइए और सबको खिलाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।